Hello friends, I am Dr. Sandeep Moolchandani. I am a neurosurgeon and today we will be discussing about migraine. Migraine का सर दर्द रहता है वो recurrent रहता है, बार बार आता है और एक तरफा रहता है, किसी एक साइड में या राइट साइड में रहेगा या लेफ्ट साइड में रहेगा, पल्सेटाइल रहता है। ये आपकी हार्ट की धड़कन जैसे रहती है, उस तरह से जो दर्द रहता है वो रुक रुक के आता है। जो माइग्रेन है वो एक ग्रीक शब्द से डिराइव्ड है और उसका मतलब होता है एक तरफा। तो जो एक तरफा सरदर्द होता है वो मोर कॉमनली माइग्रेन होता है। माइग्रेन जो कॉमनली देखा जाता है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और जो एज ग्रुप जिसमें ये कॉमन होता है वो 20-50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में रहता है। जो माइग्रेन टिपिकली जो सरदर्द रहता है वो लंबा चलता है, वो 3 घंटे से लेके 3 दिन तक भी चल सकता है। माइग्रेन रहता है वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में काफ़ी दखल डालता है। आप अपना काम, अपना जॉब नहीं कर पाते सही से, अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर वेरी टिपिकल ऑफ अ माइग्रेन। माइग्रेन के एक और स्पेसिफिक पॉइंट रहता है, उसे हम कहते हैं ऑरा। तो इसमें क्या होता है कि आपको वार्निंग सिम्टम्स आते हैं माइग्रेन होने से पहले, सरदर्द चालू होने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे सरदर्द होने वाला है। तो इस ऑरा में क्या होता है, 90% जो ऑरा रहती है वो होती है विजुअल ऑरा। उसमें होता है कि आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे अपने विजन में या ब्लर्ड स्पॉट्स दिखेंगे अपने विजन में। कई लोगों को सेंसरी ऑरा रहता है, उनको फेस पे या हाथों पे टिंगलिंग रहेगी, झुंझुनी सी सेंसेशन होएगी। तो इस तरह के ऑरा देखे जाते हैं। ऑरा का मतलब होता है वार्निंग सिम्टम्स। ये था माइग्रेन क्या होता है। अब माइग्रेन के क्या कारण होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करिए।